ये प्रभु तो मौन बैठे हैं, ये बोलते नहीं है, ये मूर्ति है, मूर्ति है, ये स्थापना निक्षेप से हमने इन्हें स्थापित किया है कि कम से कम, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड नहीं है तो इसलिए हमें, हमारा ज्ञान भी है तो परोक्ष ज्ञान है, जो मती ज्ञान है वो कैसा है, परोक्ष ज्ञान है। तो हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अपने आप स्वयंभू के रूप में कुछ नहीं कर पाते, तो हमें एक मूर्ति चाहिए। परम मूर्ति जब से हमें मिली है तो हम मूर्ति को देखते देखते, कहीं पाषाण की मूर्ति हो सकती है निर्मल जी, कहीं पर धातु की मूर्ति हो सकती है, कहीं चांदी की मूर्ति हो सकती है, कहीं गोल्ड की मूर्ति हो सकती है, पर है तो मूर्ति ना, है तो मूर्ति। और मूर्ति यानी अचेतन, उस जड़ है, उसमें कोई प्राण नहीं है, उसमें कोई आत्मा नहीं है ना। अब उस मूर्ति से हम अपनी चेतनता को कैसे जगाएं? उस चेतनता को जगाने के लिए हमें कोई ना कोई मेंटर चाहिए। वो मेंटर या तो कोई बुक के रूप में हो या कोई चेतन यानी कोई गुरु के रूप में हो, या तो कोई गुरु हो, कोई विद्वान हो, है ना। सबसे अगर सर्वोपरि है और गुरु मिल जाए तो इससे अच्छा सोने में सुहागा कुछ हो नहीं सकता, कि गुरु के ज्ञान में और विद्वान के ज्ञान में कुछ अंतर तो है ना। विद्वान के पास भी ज्ञान है और गुरु के पास भी ज्ञान है, पर अपन देखें विद्वान के पास कोरा ज्ञान है और गुरु के पास अनुभवी ज्ञान होता है, वो अपना ज्ञान अनुभव को मिला करके देते हैं, और अनुभव के साथ जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान सीधा हमारे हृदय को स्पर्श करता है, वो ज्ञान कहता है हमारे हृदय को स्पर्श करता है। और ज्ञान अगर हृदय को स्पर्श कर रहा है तो वो हमें नियम से अंदर से प्रेरणा देता है कि मुझे अपनी आत्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे संस्कार बहुत जरूरी है, जैसे माँ क्या करती थी पहले, चलो मंदिर जाओ, बच्चे मना करते थे तो कहते चलो रोटी नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा, पहले मंदिर जाना पड़ेगा ना। और बच्चे कभी कभी झूठ बोलते थे तो माँ भी होशियार थी, माँ कहती थी देखो मंदिर गए हो तो हमें प्रूफ करो, चंदन लगा के आओ, हैं घंटे बजा के आना, हम सुनेंगे। और देखा कौन कौन मिला था मंदिर में बताओ, और महाराज जी अंजू मार्सन्स मिली थी, प्रूफ हो गया, अच्छा अंजू मिली थी, हाँ ठीक है ठीक है, बस का मतलब है प्रूफ है कि आप मंदिर गए थे, है ना। कौन कौन मिला था तो वो बताओ, प्रूफ दो, प्रूफ